तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंपनी में लेट ज्वाइन करते हो तो उस केस में क्या होगा। लेट इन द सेंस कि फॉर सपोज आपको 15 तारीख को ऑफर लेटर मिल गया और आपको कंपनी बोल देती है कि आप 25 को ज्वाइन करो या 25 को आपको ज्वाइन करना है, इसके बाद आप कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हो, लेट ज्वाइन करते हो, तो इतना बड़ा कोई ये कंसर्न नहीं। एक्चुअली मेरे पास कॉमेंट आया था, उसी की बेस में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो दोस्त, होता क्या कि जब आप किसी कंपनी में वर्किंग होते हो, आपको 1 साल 2 साल या 3 साल हो गए होते हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे फिर रिजाइन डालते हो, तो रिजाइन डालने के बाद या पेपर डालते हो, तो वहाँ पे पेपर डालने के बाद होता क्या कि आपका नोटिस पीरियड होता है। हो सकता है आपका 1 महीने का हो या 2 महीने का हो या 3 महीने का हो। तो नेक्स्ट कंपनी यानी कि आने वाली कंपनी अगर वो एग्री कर रही है कि ठीक है आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर लो 1 महीने या 3 महीने, जो भी टाइम है वहाँ पे आपके नोटिस पीरियड का, उस केस में होता क्या है कि आप कंपनी को वेट कराते हो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने, एंड इसके बाद 3 महीने के बाद आप फिर कंपनी को होल्ड करते हो, मतलब कंपनी को बोलते हो आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ज्वाइन करोगे, वट एवर टाइम ड्यू टू दिस रीजन। तो देखो दोस्तों, कई बार के इस केस में क्या होता कि हो सकता है आपका जब वहाँ पे नोटिस पीरियड कंप्लीट होने वाला हो सकता है उस टाइम कुछ मेडिकल कंडीशन सही ना हो, या हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो। एंड कई बार कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि वो कंपनी चूज़ कर रहे होते हैं, मतलब एक से ऑफ़र लेटर ले लिया, दूसरे से भी ले लिया, तीसरे से भी ले लिया, तो जब मल्टीपल ऑफ़र लेटर ले लेते हैं तो वो सोचते हैं इसमें जाऊँ किस में जाऊँ किस में जाऊँ या 2-4 और इंटरव्यू दे दूँ, तो कई बार वो इस वजह से भी होल्ड कर देते हैं। बट ये चीज़ कंपनी को वहाँ पर नहीं पता होती है। उस केस में अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है वहाँ पे, तो आप कंपनी को वो रेफ़र कर सकते हो, कंपनी को सेंड कर सकते हो कि इस वजह से मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडमिट हूँ या जो वट एवर रीज़न। एंड दूसरे केस में मैं बात करूँ, अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको 1 वीक या अप टू 2 वीक का टाइम देती है। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहे हो कि हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या फर्जी बोल रहे हो कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी आपको 1 वीक या 2 वीक का टाइम देती है। अगर उस टाइम में आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो फिर अप टू कंपनी हो जाता है, वो कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है, ऑफर लेटर रिजेक्ट कर सकती है और वो ज्वाइन करने से वहाँ पे डिनाई कर सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 1 ऑफर लेटर है सिंगल और आप फिर उसके बाद भी आप उसको डिले कर रहे हो तो वो मत करें। अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इससे ज़्यादा आपने डिले किया, हो सकता है आपका ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया जाए और आपकी जॉब भी चली जाएगी वहाँ से। तो अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट में जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, उस पे कुछ 50 से 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि टॉप क्वेश्चन हैं, आपको इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको 100% शॉर्टलिस्ट मिलेगा naukri.com प्रोफाइल से। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।